भूमि पर आने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन सा व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहेगा? तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ नहीं करना चाहेगा? यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया था। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर इसमें से बहुत कम श्रद्धालु यह जानते होंगे कि ये बांके बिहारी का जो मंदिर है वह कैसे बना, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे यहाँ पर ये बांके बिहारी जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये यहाँ पर स्थापित हुई, निधिवन से बांके बिहारी जी की इस मूर्ति का क्या संबंध है, यह मूर्ति कितनी पुरानी है, सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। नमस्कार, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज जानेंगे बांके बिहारी जी मंदिर का संपूर्ण इतिहास, सारी कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ में, अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मंदिर जब निर्माण किया था मंदिर का, तो उस समय पर किसी भी दानदाता का धन इस मंदिर में नहीं लगाया गया। स्वामी श्री हरदास जी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक एक ग्राम में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी असुधीर महाराज जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही असुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं। तथा राधाष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार भी माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे हुए रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा ली तथा यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्तावेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने लगे। निकुंज वन में ही स्वामी श्री हरदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ था। जब स्वामी हरदास जी निकुंज वन में रहते थे तभी इनको श्री बिहारी जी ने मूर्ति निकालने का स्वप्न दिया था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाली गई थी, अतः प्राकट्य तिथि को हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी के छवि के मध्य में एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाट्य वंश परंपरागत श्री कृष्णयति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था में संभाले रही थी। फिर इन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने बेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी इसमें शामिल रहा। आनंद का विषय है
कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नई संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों के दर्शन जो करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी हरदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? श्री बांके बिहारी जी वहाँ स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी वहाँ से निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा और बंसी को बिस्तर पर ही रखा छोड़कर चली गई। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा और बंसी विराजमान थी। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? श्री बांके बिहारी जी वहाँ स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी वहाँ से निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा और बंसी को बिस्तर पर ही रखा छोड़कर चली गई। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा और बंसी विराजमान थी। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन करने हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष अनुसार समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक दो हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात
उसके पति ने जब घर वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए घर जाएंगे इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मैं घर जा रही हूँ किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वो दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगी। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं वे तत्काल घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारणों से श्री बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी के दर्शन होते हैं। अर्थात यहाँ पर झांकी का अर्थ है कि कभी भी भगवान के एक साथ इकट्ठे दर्शन नहीं होते, उनको बार बार बीच बीच में पर्दा डाल दिया जाता है जिससे कोई भी भक्त उनको बहुत देर तक ना देख पाए। ऐसे ही एक बार भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। स्वामी हरदास जी के द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकटित हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं हुई। बैसाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पहले ये निधिवन में ही विराजमान थे, बाद में वर्तमान मंदिर में पधारे हैं। यवनों के उपद्रव के समय बांके बिहारी जी गुप्त रूप से वृंदावन में ही रह रहे थे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी जी की झांकी दर्शन विशेष रूप में होता है। यहाँ झांकी दर्शन का कारण उनका भक्त वात्सल्य एवं रसिकता है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एक टक होकर श्री बिहारी जी को निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चली गई। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधराया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नजर ना लड़ा सके। यहाँ एक विलक्षण की बात यह है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती। यहाँ के गुसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास करके थक कर भोर में शयन करते हैं। उस समय उन्हें जगाना उचित नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि गत अश्विन शुक्ल पंचमी को दर्शनार्थ आए भक्तों में से एक, जिन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता था, जिज्ञासावश पूछा, बाबा आप देखने में असमर्थ हैं, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता है पर बिहारी जी तो मुझे देख रहे हैं। तो मित्रों ये थी बांके बिहारी जी मंदिर के बारे में संपूर्ण हिस्ट्री।